मैं आप लोगों के साथ एक राइस बैग का यूज कर कर आप लोग किस तरीके से बिग साइज का शॉपिंग बैग बनाकर तैयार कर सकते हैं उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने जिप वाला बनाकर तैयार किया है और इसका हैंडल भी बहुत मजबूत बनाया है। इसमें आप लोग आराम से 12 से 15 किलो का सामान आराम से यूज कर सकते हैं। इसके साइडों में भी मैंने सिलाई नहीं लगाया, कट नहीं लगाया, नीचे की तरफ भी मैंने कट नहीं लगाया, ओनली वन कट ऊपर की तरफ लगाया है और ये बिग साइज का शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये राइस बैग लिया है। ये राइस बैग आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का लेना है, जिसका बॉटम साइड मजबूत हो, सिला हुआ हो और साइडों से भी ये मजबूत हो। देखिए ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं 23 इंचेस में निशान लगा रही हूँ। आप लोग छोटी बड़ी साइज का बना सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी। देखिए स्ट्रेट में निशान लगा लिया है और ऊपर की तरफ सिर्फ हम लोगों को यही कट लगाना है, वन कट लगाना है। देखिए स्ट्रेट में इसको कट कर लेंगे और ये जो ऊपर की तरफ से पार्ट बचा है वो हम लोगों का हैंडल बनेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, इसको भी एक साइड से कट कर लेंगे। ये दोनों साइड से कट होगा पर हम लोग अभी एक साइड से कट कर स्ट्रेट में इसको सिलना है, फिर सेंटर से कट करना है, वो मैं स्टिचिंग के वक्त दिखा दूंगी। देखिए इसका विड्थ है 5 इंचेस और ये डबल में है। इसका भी लंबाई का मेजरमेंट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये 19 इंचेस का है, डबल में है। देखिए इसको सिलना किस तरीके से है, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, एक फोल्ड इस तरीके से, एक फोल्ड इस तरीके से और सेंटर से फिर इसको सिलाई करना है। यहाँ पर देखिए इसका जितना भी मेजरमेंट है इसके हिसाब से, यहाँ पर 20 इंचेस है तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर जिप काट रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 21 इंचेस का एक जिप कट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को स्टिचिंग कर दिखाती हूँ। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हैंडल को हम लोगों को स्टिचिंग कर लेना है, डबल फोल्ड में स्ट्रेट में सिलना है। यहाँ पर मैंने 18 नंबर का सुई यूज़ किया है, 18 नंबर का सुई यूज़ किया है। तो आप लोग अगर राइस बैग सिल रहे हैं या मोटा कपड़ा सिल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी 18 नंबर का सुई यूज़ कीजिए, तभी आप लोगों का आसानी से सिल सकेगा और सुई टूटेगा भी नहीं, स्टिचिंग भी सही से होगा। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ और स्ट्रेट में स्टिचिंग कर रही हूँ। ये दो हैंडल मैं एक साथ में ही स्टिचिंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से ही स्ट्रेट में स्टिचिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को हैंडल तैयार करना है। इस तरीके का राइस बैग हम लोगों के घर में पड़ा होता है, तो हम लोग अगर स्टिचिंग करना जानते हैं या हम लोगों के घर में मशीन है तो एक बार अगर हम लोग इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे तो हम लोगों का शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत यूज़फुल रहता है, इसको आप लोग बाज़ार जाते वक्त सब्जियों लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंटेड झोला बनकर तैयार हो जाता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। देखिए इसके साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे, ये और मज़बूत बनकर तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप लोग स्टिचिंग करेंगे तो हैंडल बहुत मज़बूत बनेगा। देखिए स्ट्रेट में सिल लेंगे, यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब इसको डबल करना है, डबल करके एक कट लगाना है ताकि ये दो हैंडल बनकर तैयार हो। देखिए इस तरीके से डबल में कट कर लिया है मैंने, यहाँ पर ये दो हैंडल बन चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो हम लोगों ने कट कर रखा राइस बैग को उसको लेना है और इसका सेंटर निकालना है। तो ये 19 इंचेस था तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरीके से सेंटर निकाल लूँगी, 9.5 में निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ 3 इंच में निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ हम लोगों को 3 इंच में निशान लगाना है, जहाँ पर हम लोगों ने 3 इंच में निशान लगाया वहाँ से राइट साइड में 2.5 इंच में निशान लगाना है और लेफ्ट साइड में 2.5 इंच में 2.5 इंच में निशान लगाकर तैयार करना है। इसी निशान में हम लोगों को हैंडल अटैच करना है। देखिए इस तरीके से सिलेंगे, फिर ऊपर की तरफ टर्न कर चारों कॉर्नर में हम लोगों को सिल लेना है। इस तरीके से हैंडल लगाने से आप लोगों का हैंडल बहुत मजबूत बनेगा, आप लोग उसमें जितना भी वेट देंगे ये झोला टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत बनकर तैयार होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ प्रिंटेड झोला में आप लोग किस तरीके से कपड़ा लगाकर वेस्ट फैब्रिक लगाकर बना सकते हैं उसका वीडियो भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। देखिए इस तरीके से हम लोगों को हैंडल को अटैच करना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले उसी तरीके से आप लोगों को अटैच कर लेना है, ऊपर की तरफ कर फिर हम लोगों को स्टिचिंग करना है। देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे और चारों कॉर्नर में हम लोगों को स्टिचिंग करना है, का अच्छी तरीके से लगाना है। 2 से 3 बार मशीन को घुमाते हुए चारों कॉर्नर में स्टिचिंग कीजिएगा। जितनी मजबूती से आप लोग टांका लगाएंगे उतना मजबूत आप लोगों का ये प्रिंटेड झोला बनकर तैयार होगा, बैग बनकर तैयार होगा। चारों कॉर्नर में हम लोगों को अच्छी तरीके से इस तरीके से सिल लेना है।
इसमें आप लोग जितना भी वेट देंगे ये टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने टांका लगाते हुए स्टिचिंग किया है, इसका हैंडल को जॉइंट किया है। देखिए इस तरीके से टांका लगाएंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम लोगों को इसी तरीके से ही करना है, चारों कॉर्नर में अच्छी तरीके से टांका लगाते हुए स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से टांका लगाते हुए स्टिचिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ये एक हैंडल लग चुका है, इसको मैं खींच कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना मजबूत हैंडल जॉइंट हुआ है। दूसरा हैंडल में भी हम लोगों को उसी तरीके से ही अटैच करना है। इसको नापते हुए जैसा हम लोगों ने फर्स्ट वाले हैंडल को अटैच किया, दूसरा हैंडल भी हम लोगों को इसी तरीके से अटैच करना है। सेंटर से निशान लगाते हुए 2.5 इंच की दूरी में हम लोगों को दोनों हैंडल को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। दूसरा हैंडल भी मैं इसी तरीके से ही लगाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से दूसरा हैंडल लगाया है। देखिए मेरे यहाँ पर दूसरा हैंडल भी लग चुका है। अब मैं आप लोगों को जिप लगाकर दिखाऊंगी। देखिए इसको मैं खींच कर भी दिखा रही हूँ, ये बहुत मजबूत हैंडल बना है। अब मैं आप लोगों को जिप लगाकर दिखाती हूँ। अगर आप लोग चाहे तो जिप का रनल पहले निकाल लीजिए, मैं यहाँ पर रनल नहीं निकाल रही हूँ, एक साथ में ही जिप अटैच कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले दोनों साइडों में हम लोगों को बराबर में निशान लगाते हुए एक नॉच लगा लेना है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि जिप को हम लोगों को कहाँ से अटैच करना है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को सीधे में ही अटैच करना है, एक पार्ट को सीधा रखना है, नीचे वाले जो हम लोगों का प्रिंटेड झोला है उसको सीधा रखना है और जिप को उल्टा रखते हुए स्ट्रेट में स्टिचिंग करना है। देखिए इस तरीके से सीधा रखा, जहाँ पर हम लोगों ने नॉच लगाया है वहाँ से जिप को अटैच करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से देखिए जिप को खोलते हुए हम लोगों को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से हम लोगों को सिलना है। अगर आप लोग बिगनर से तो पहले बॉल पिन से सेट भी कर सकते हैं। जिप लगाने से क्या होता है कि हम लोगों का बैग भी देखने में अच्छा लगता है और कुछ भी सामान हम लोगों का गिरेगा नहीं, सेफ्टी में रहेगा। तो अगर आप लोग बिना जिप वाला बनाना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बिना जिप वाला भी बनाकर दिखाया है, उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो को क्लिक कर देख लीजिएगा कि मैंने किस तरीके से बिना जिप वाला झोला बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है, बैग बनाकर शेयर किया है। और इस वीडियो के लास्ट स्क्रीन में भी दे दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने जिप लगा लिया है, अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को जब जिप खोलेंगे तो जिप खोलने में प्रॉब्लम आएगा, जिप फंसेगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेंगे तो आप लोगों का फिनिशिंग भी अच्छा दिखेगा और जिप खोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम लोगों को इसको उल्टा करना है, झोला को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद फिर हम लोगों को दूसरी तरफ का जिप लगाना है। देखिए इस तरीके से उल्टा कर लिया है मैंने, अब इसको उल्टी साइड में ही हम लोगों को जिप लगाना है। इस तरीके से स्ट्रेट में सिल लेंगे, धीरे धीरे कर सिलना है। जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप लोग भी आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेट में सिल लेना है, मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, कटिंग